नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्य राठी। डॉक्टर साहिब के आज के हमारे एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अजय कुमार, जिन्हें आप पहले भी कई बार हमारे चैनल पर देख चुके हैं। डॉक्टर साहब किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन फिर भी औपचारिकता के लिए बता दें कि डॉक्टर साहब बिहार के सबसे जाने माने यूरोलॉजिस्ट में से एक हैं, पारस HMRI के डायरेक्टर भी हैं और IMA के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, यूरोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के भी पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। आज के एपिसोड में डॉक्टर साहब से हम ये समझने वाले हैं कि प्रोस्टेट की जो समस्या है अब वो क्या होती है और प्रोस्टेट बढ़ने से पुरुषों में क्या क्या तकलीफें आ सकती है। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद डॉक्टर साहब। अक्सर जब आप हमें पुरुषों से जुड़ी यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के बारे में बताते हैं तो उसमें प्रोस्टेट का बढ़ना एक कारण रहता है ज़्यादातर वक्त पर, तो आज मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि अगर प्रोस्टेट बढ़ जाए तो पहले तो इसकी पहचान कैसे होगी और उसके ज़्यादा बढ़ जाने से क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। देखो, ऐसा है कि इस विषय पर मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, आज मैं अपने को कन्फाइन करूँगा ये मान के कि ये डायग्नोसिस हो चुका है कि इनको प्रोस्टेट ग्लैंड की बढ़ने की बीमारी है, क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड में सूजन हो सकती है जो यंगर एज में होती है, छोड़ दो उसको। प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर एक अलग टॉपिक है, छोड़ दो उसको। ये जो आज बात करूँगा, बिनाइन एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट, बिनाइन एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट का, अच्छा ये तीनों जो हमने बताई बीमारी, तीनों के जो सिम्टम होते हैं सब एक दूसरे से घालमेल किया हुआ होता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि सिर्फ बिना एनलार्जमेंट की तरफ ही कुछ ध्यान में रखते हुए बतावें कि प्रोस्टेट की बीमारी क्या है। प्रोस्टेट पहले तो ही बता देंगे प्रोस्टेट ग्लैंड है कहाँ, लोगों को रिमाइंड करते हैं, कई बार बता चुके हैं। पेशाब के, यह एक पुरुष ग्रंथि है, महिलाओं में नहीं होता प्रोस्टेट, और यह पुरुष ग्रंथि पेशाब के थैली का जो नेक होता है जहाँ से मूत्र नली शुरू होती है वहीं पर छाया रहता है, छोटे कसेली के बराबर का, जनरली 15 ग्राम का प्रोस्टेट होता है एडल्ट में, बच्चे में तो होता ही नहीं, बहुत छोटा और होता है, तो यही बढ़ता है। अब प्रोस्टेट में तीन जोन है, मैंने दो जोन बोलो, पेरिफेरल जोन है और कसेली की तरह ऐसे है, पेरिफेरल जोन है और सेंट्रल जोन है। सेंट्रल जोन में दो तरह के दो लोब होते हैं, दो लेटरल लोब और एक मिडिल लोब, ठीक है। अब ये जो है पेरिफेरल जोन को छोड़ो, उसमें जो होता है वो मोस्टली कैंसर होता है, वो यदि बढ़ता है चाहे पेरिफेरल जोन में ही कैंसर होता है। अब आ जाओ सेंट्रल जोन में, तो मीडियल लोब जब बढ़ेगा तो दोनों तरफ से पेशाब की थैली पर दबाव डालेगा, पेशाब के यहाँ पर पेशाब की थैली है, ये पेशाब की नली है, तो नली पर दबाव डालेगा, और नहीं तो इसका यदि मीडियल लोब बढ़ जाता है बीच वाला, तो बढ़ करके पेशाब की थैली में घुस जाता है, मीडियल लोब बढ़ेगा तो पेशाब की थैली में घुस जाएगा। अब वहाँ से या तो पेशाब की थैली को इरिटेट करेगा ताकि बार बार पेशाब करें, या ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। और उस मीडियल लोब बढ़ने का ऑब्स्ट्रक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, यदि पेशाब का नली का रास्ता सिकुड़ जाए तो वो यदि पेशाब करेगा आदमी तो जोर लगाने से थोड़ा धार बढ़ेगा, और मीडियल लोब यदि घुस जाता है पेशाब के थैली में, ये प्रोस्टेट है घुसा हुआ है, तो जब जोर लगावेगा आदमी तो मीडियल लोब मुँह बंद कर देगा, इसे इसका पेशाब के थैली का जो नेक है उसको बंद कर देगा, तो जोर लगाने पर घट दे फिर मतलब पेशाब बंद हो जाएगा, फिर छोड़ देगा ढीला तो थोड़ा पेशाब निकलेगा, तो ये मीडियल लोब बढ़ने का है। और नहीं तो उसके बढ़ने से क्या होता है, हमेशा सेंसेशन आने लगता है आदमी को, रात भर दिन भर, जिसको कहते हैं इरिटेटिव वाइडिंग सिम्टम, रात में बहुत बार पेशाब करेगा, दिन में बहुत बार पेशाब करेगा, दोनों लेटरल लोब यदि बढ़ गया तो धीरे धीरे क्या करेगा, पेशाब के धार को कमज़ोर करता चला जाएगा, एकदम सट जाएगा, या मीडियल लोब भी बढ़ गया, दोनों लोब भी बढ़ गया, पेशाब रोक देगा,
पेशाब होबे नहीं करेगा, पेशाब एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन में चला जाएगा मरीज, तो उसको कैथेटर लगाना पड़ता है और फिर बाद में ऑपरेशन भी किया जाता है। बहुत बार ऐसा है कि इतने धीरे धीरे ये लोभ बढ़ के पेशाब को रोकता है, स्पेशली डायबिटिक वगैरह में, कि पेशाब की थैली में उतना सेंसेशन रहता नहीं है, तो पेशाब की थैली बहुत बड़ी धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है और उसको बुझाई भी नहीं करता आदमी को कि हमारा पेशाब की थैली में बहुत ज़्यादा पेशाब जमा हो रहा है, और उसको तब उसको कहते हैं क्रोनिक रिटेंशन, और बड़ी ख़राब स्थिति है। प्रोस्टेट का ऑपरेशन के बाद भी पेशाब की थैली में सिकुड़ने की क्षमता कम हो जाती है, तो उसका फिर इलाज करना पड़ता है। ऐसे मरीजों को रात में बिछावन पर भी अचानक वो कहेगा डॉक्टर साहब 3-4 बार जाते थे, पहले जाते जाते बाथरूम में पेशाब हो जाता था, लेकिन अब तो रातों में बिछौने पर पेशाब हो जाता है। तो रात में बिछौना पर पेशाब होना भी प्रोस्टेट ग्लैंड के बढ़ने की निशानी है। तो मोटा मोटी इतना ही हम बता सकते हैं प्रोस्टेट, और उम्र भी जो है 50 से लेके उसके ऊपर के लोगों को ज़्यादातर ही होता है। ऐसा नहीं हो सकता है 4500 बरस में हो जाए, ये मोटा मोटी 50 वर्ष या उससे ज़्यादा उम्र के लोगों का प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ता है। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब से आपके और क्या सवाल हैं। धन्यवाद।